ट्रेडिंग सर्विसेज सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये तीनों डाउन जाएंगे, एक एक करके ऊपर आएगा। नून लीग की हुकूमत आई और ज़ाहिर है कि क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ ने नून लीग को ही टॉपल करके और मिलिट्री कू की थी तो वो इफेक्टिव थे और वो परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो लोगों की जान बचाना है और उसके साथ साथ इकोनॉमीज को बचाना है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ दो चैलेंजेस नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स आपको पता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स रही है और पिछले कई दिहाइयों से यहाँ पे कम से कम सियासी हवाले से कोई भी आप लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। कराची जैसे शहर को बंद करना और वो सीरियसनेस एक्सपेक्ट करना, ये इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से भी नफरी आ जाती थी। ये तो पूरा 2 करोड़ आबादी का शहर है। अच्छा, ओके। जहाँ पर एनकाउंटर टैंक के और कुछ लोग उसमें जो है जहाँ भाग हुए थे और कुछ मजूर हुए थे, जख्मी हुए थे, कुछ की टांगे कटी, किसके हाथ जख्मी हुए थे, तो 2010 के उस वाक्य के बाद जो कि वहाँ के एक तलबा तंजीम ने ऑर्गेनाइज किया था इस कल्चर इवेंट को, ये हमारे पास तेजी से इतना राइज क्यों आया, इसमें दो चीज़ें बड़ी क्लियर कट हमें नज़र आती हैं। एक तो हमें ये नज़र आता है कि हमारे पास मुल्क के अंदर गवर्नमेंट सर्कल से लेके आम आदमी तक आपने सीरियसनेस की लेवल देख ली होगी। ऑलरेडी लॉस हो रहा है आखिरी 15-20 दिन से। ओके। इसका तखमीना भी लग जाएगा आगे दिनों में, लेकिन हम इसको बड़े आराम से कह सकते हैं कि अरबों रुपए का लॉस इस वक्त गरीब मईशत को अलग तौर तरीकों से हो चुका है।